नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आईपीएल 2020 शुरू हो चुका है, दो मैचेस भी खेले जा चुके हैं और अब तीसरा मैच आईपीएल 2020 का आरसीबी वर्सेस एसआरएच के बीच में खेला जाने वाला है। ये मुकाबला आज होने वाला है। ऐसे में इस मैच में दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन क्या होने वाली है, पिच कैसी होगी, पिच कंडीशंस कैसे होंगे, इसके साथ ही वेदर रिपोर्ट क्या है, कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है इस मैच में और कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है, सारी जानकारी डिटेल में आगे आप सभी को देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी टीम या फिर एसआरएच के फैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इस मैच की तो ये मैच जो है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला जाने वाला है। भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। ये मैच दुबई में होने वाला है। मैच से पहले बड़ी अपडेट यह है कि दोनों टीमों के बड़े बड़े खिलाड़ी कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है पहले मैच से ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसका मतलब है कि दोस्तों इस मैच में हमें एरन फिंच, जॉनी ब्रेस्टो, डेविड वार्नर और केन विलियमसन जैसे कुछ बड़े बड़े खिलाड़ी देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ ही एबी डिविलियर्स और विराट कोहली तो रहेंगे ही, मगर इन खिलाड़ियों के होते हुए मैच काफी रोमांचक होने की उम्मीद की जा सकती है। अब दोस्तों बात करें हेड टू हेड मैचेस की दोनों टीमों के बीच में तो अब तक कुल 15 मैचेस खेले गए हैं इन दोनों टीमों के बीच में, जिसमें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 8 मैचेस जीते हैं, वहीं आरसीबी की टीम ने 6 मैच जीते हैं, जबकि एक मैच जो है वो रद्द हो गया है। वहीं दोस्तों पिछले 3 मैच की बात करें तो 3 मैचेस में से आरसीबी ने 2 मैच अपने नाम किए हैं, यानी कि 2 मैच जीते हैं। अब दोस्तों ये आरसीबी के लिए एक प्लस पॉइंट जरूर होगा अगर स्टेट के हिसाब से देखें तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों की प्लेइंग इलेवन की। सबसे पहले बात करते हैं एसआरएच की प्लेइंग इलेवन की तो इस टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं जॉनी ब्रेस्टो, कप्तान डेविड वार्नर, इसके बाद 3 पर मनीष पांडे, 4 पर प्रियम गर्ग, 5 पर विजय शंकर, 6 पर मोहम्मद नबी, 7 पर अभिषेक शर्मा, 8 पर राशिद खान, 9 पर भुवनेश्वर कुमार, 10 पर खलील अहमद और 11वें नंबर पर संदीप शर्मा खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें आरसीबी टीम की प्लेइंग इलेवन की तो इस टीम के लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं एरन फिंच, देवदत्त पड्डीकल, 3 पर विराट कोहली, 4 पर एबी डिविलियर्स, 5 पर मोइन अली, 6 पर शिवम दुबे, 7 पर क्रिस मॉरिस या फिर डेल स्टेन, 8 पर वॉशिंगटन सुंदर, 9 पर उमेश यादव, 10 पर युजवेंद्र चहल और 11वें नंबर पर यहाँ पर नवदीप सैनी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों बात करें मौसम कैसा होने वाला है मैच के दौरान, वेदर कंडीशंस क्या हो सकते हैं, तो भाइयों यहाँ पर मौसम है एकदम गर्म होने वाला है, बारिश की कोई आसार ही नहीं यहाँ पर पूरा मैच हमें देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों बात करें पिच की तो ये मैच भी दुबई में होने वाला है। थोड़ा सा हमें घास देखने को मिला था पिछले मैच में जहाँ पर दिल्ली और पंजाब की टीम के बीच में ये मैच खेला गया था, इसलिए दोस्तों शुरुआत में यहाँ पर तेज गेंदबाजों को थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी। ऐसे में दोस्तों पिच थोड़ी सी स्लो हो जाएगी बाद में चलकर, मगर स्टार्टिंग में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है। तो बात करें दोनों ही टीमों की तो यहाँ पर आरसीबी टीम में अरुण फिंच के आने से टीम को मजबूती मिली है। ओपनिंग बल्लेबाजी में यहाँ पर फिंच और देवदत्त पट्टिकल या फिर पार्थिव पटेल ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इनके पास एबी डिविलियर्स और विराट कोहली जैसे दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। वहीं दोस्तों एसआरएच की टीम में 2 खतरनाक प्लेयर जो हैं वो हैं जॉनी ब्रेस्टो और डेविड वार्नर। डेविड वार्नर तो एसआरएच की टीम में आते ही शानदार प्रदर्शन करते हैं और रनों का अंबार लगा देते हैं, इसी वजह से ये 2 खतरा भी होगा आरसीबी टीम के लिए। इनके गेंदबाजों को इनको जल्दी आउट करना पड़ेगा। अगर जॉनी ब्रेस्टो और डेविड वार्नर को आरसीबी टीम के गेंदबाज जल्दी आउट करते हैं तो फिर एसआरएच की टीम बड़ा स्कोर नहीं लगा पाएगी। वहीं अगर आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो एरन फिंच से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी। वो आरसीबी के लिए अपना पहला मैच खेलने वाले हैं और फैंस यही उम्मीद करेंगे कि वो टीम को एक बेहतर शुरुआत दिलाएं। इसके अलावा दोस्तों आरसीबी टीम की गेंदबाजी लाइनअप भी इस बार काफ़ी मजबूत है। इनके पास जहाँ पर नवदीप सैनी काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, चहल तो है ही, इसके साथ ही वॉशिंगटन सुंदर भी हैं और उमेश यादव भी हैं। वहीं दोस्तों एसआरएच की टीम में राशिद खान, मोहम्मद नबी और भुवनेश्वर कुमार जैसे खिलाड़ियों के होने से इनकी गेंदबाजी में थोड़ा सा अनुभव ज़्यादा नजर आता है, इसी वजह से दोस्तों हो सकता है कि इस मैच में गेंदबाज भी डोमिनेट कर जाएं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।